वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं हूं अभिषेक। एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज है 25 अगस्त रविवार, छुट्टी का दिन। मैं वीडियो शूट कर रहा हूं दोपहर को। तो आज के एपिसोड में बात करेंगे फिल्म हमारा दिल आपके पास है के बारे में, मतलब इस फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट के बारे में बताऊंगा। इस फिल्म के बारे में मैं छोटा सा रिव्यू भी शेयर करूंगा और आखिर में इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट भी बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स। हमारा दिल आपके पास है आज से ठीक 24 साल पहले, मतलब 25 अगस्त 2000 को रिलीज हुआ था। फिल्म के लीडर में थे अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, हिमानी शिवपुरी, स्मिता जयकर, पुरु राजकुमार, मुकेश ऋषि, जसपाल भट्टी, जॉनी लीवर और एक एक्सटेंडेड कैमियो रोल में सोनाली बेंद्रे और भी बहुत सारे सह कलाकार इस फिल्म में थे। सो फ्रेंड्स, हमारा दिल आपके पास है एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुरिंदर कपूर ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सतीश कौशिक ने। म्यूजिक दिया था संजीव दर्शन ने और गाने लिखे थे जावेद अख्तर ने। सो फ्रेंड्स, फिल्म का बजट था 9 करोड़ और इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे इनकम किया था 77 लाख और पहले वीकेंड के बाद इस फिल्म का कलेक्शन था 2.49 करोड़ और पहले वीक में इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 4.92 करोड़ और इस फिल्म का ओवरऑल नेट इंडिया लाइफ टाइम कलेक्शन था 14.79 करोड़ अप्रोक्सीमेटली और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म साबित हुआ था। अगर इस फिल्म को मैं एक लाइन में रिव्यू करूं दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत मूवी है। ये फिल्म मुझे खास पसंद है, स्पेशली इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है बहुत मुझे पसंद आया था और इस फिल्म में ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर के बीच जो सीन्स है बहुत ही बढ़िया है और इस फिल्म में इमोशन ने मुझे कनेक्ट किया। ऑब्वियसली इस फिल्म में एक मैसेज है जो सबको देखना चाहिए, जो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट देने में कामयाब होता है। दोस्तों इस फिल्म के गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसमें जो कॉमेडी सीन बहुत ही बढ़िया है और ऐश्वर्या राय अनिल कपूर का जो रोमांटिक एंगल है वो भी बहुत बढ़िया लगा। एक अलग किस्म का लव स्टोरी दिखाया गया है इस फिल्म में, बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल ये फिल्म मुझे खास पसंद है। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, अनिल कपूर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, एक्सलेंट परफॉर्मेंस बाय अनिल कपूर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया काम अनिल कपूर ने इस फिल्म में किया है। उनका जो डायलॉग है, कुछ कुछ डायलॉग बहुत ही बढ़िया है और ऐश्वर्या राय बहुत ही खूबसूरत दिखी, वैसे बहुत तो खूबसूरत है ही और भी बहुत खूबसूरत दिखी और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है उनकी एक्टिंग इस फिल्म में, बहुत ही बढ़िया काम उन्होंने भी की है। पुरु राजकुमार नेगेटिव रोल में बहुत ही बढ़िया काम किया है, एक्सटेंडेड कैमियो रोल में सोनाली बेंद्रे का काम भी बढ़िया है, सभी सह कलाकार ने बहुत बढ़िया काम इस फिल्म में किया है। ओवरऑल एक वेल फैमिली एंटरटेनिंग विथ मैसेज, एक बहुत ही बढ़िया मूवी है। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए और ये फिल्म डेफिनेटली आप सबको पसंद आ सकता है। और आप दोस्तों इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट। दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स, मतलब सतीश कौशिक, पहले इस फिल्म के लीड रोल के लिए काजोल को कास्ट करना चाहते थे क्योंकि इससे पहले काजोल और रणबीर कपूर के साथ वो हम आपके दिल में रहते बनाए थे, जो कि एक सुपरहिट साबित होता है बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन कुछ कारण के चलते हुए काजोल ने इस फिल्म को कर नहीं पाई और फाइनली ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया था इस फिल्म में। इस फिल्म में पहले सोनाली बेंद्रे के रोल के लिए महिमा चौधरी को अप्रोच किया गया था, उसके बाद पूजा बत्रा को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन कुछ कारणवश बात आगे बढ़ा नहीं और फाइनली इस फिल्म में सोनाली बेंद्रे को कास्ट किया गया था। इस फिल्म में पहले पुरु राजकुमार के रोल के लिए सतीश कौशिक चाहते थे अरमान कोहली को कास्ट करने के लिए, लेकिन अरमान कोहली ये निगेटिव रोल करना नहीं चाहते थे, इसलिए इस फिल्म को रिफ्यूज कर दिया था और फाइनली पुरु राजकुमार को साइन किया गया था इस फिल्म के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था कुछ फैक्ट इस फिल्म के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। किसी फिल्म के बारे में अगर जानना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। टिल देन दोस्तों, टाटा बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे कूल मैन।